स्टमक की बात करने के बाद अब हम आगे हैं मूवमेंट एंड प्रोपल्शन मूव एलिमेंट्री ट्रैक में स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स पे। अब तो बहुत ही आसान है, कोई चीज़ में मुश्किल बात नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तो ऐसे हलवा है सारा। तो ये होता है कि हमारे पास कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आ जाता है तो अब होता है इसमें भी दो तरह की मूवमेंट्स होंगी। एक इसमें मिक्सिंग होगी जिस तरह बाकी सारों में पहली मिक्सिंग होती है, दूसरी चीज़ होती है इसकी प्रोपल्शन या फिर पेरिस्टालसिस। जो मिक्सिंग मूवमेंट्स होती हैं ना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो कुछ ऐसी हैं कि जब फूड एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो ऑफ कोर्स ही बात है जिस जगह पर फूड एंटर होगा वो जगह डायलेट कर जाएगी। ठीक है जी, अगर ऐसे था तो यहाँ पर फूड एंटर होगा वो जगह डायलेट होगी। ठीक है, अब वो जगह जब डायलेट होगी तो इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स ही अपीयर होता है कि सेगमेंटेशन हो जाती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की। सेगमेंटेशन का मतलब है जिस तरह आपने सॉसेजेस देखी होंगी ना, ऐसे करके होती है कुछ, एक सेगमेंट, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके ना उसकी सेगमेंटेशन हो जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन है, इस तरह की सेगमेंटेशन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ऐसी जो सेगमेंटेशन है ना वो फूड को फॉरवर्ड प्रोपेल करने में, मिक्स होने में मदद देती है। ठीक है, अब जैसे कोई चीज़ आपको इस तरह से सेगमेंट हुई नज़र आएगी तो एक जगह पर खाने को ज़्यादा जगह मिलेगी, जब वो आगे जाएगा तो खाने को कम जगह मिलेगी, फिर कायम आगे जाएगा ज़्यादा जगह मिली, कम आगे क्या कम जगह मिली। ये खाने को ना मिक्स करता है अच्छी तरह से, मिक्सिंग में हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी सेगमेंटेशन होती है मुसलसल चेंज हो रही है, एक सेगमेंट अभी ऐसे है फिर अगली जगह वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, फिर सेगमेंट डायलेट है फिर कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। इस तरह से आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसे हम मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं, फूड को मिक्स करती है। ये जो सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन है इनकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 12 पर मिनट, यानी एक मिनट में ये 12 दफ़ा चेंज उसका हो सकती है अपनी पोजीशन को, लेकिन इससे ज़्यादा दफ़ा चेंज नहीं कर सकती। ये हमारे पास नेचुरल है और इसका जो एक कंट्रोल है, मैंने बताया कि लोकली कंट्रोल्ड है, ये अपने ही जो प्लेक्सेस एमाइटेरिक वगैरह वो इसको कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, अगर उन्होंने कहा कि ड्रग एट्रोपिन दे के किसी पेशेंट की एमाइटेरिक प्लेक्सेस को ब्लॉक किया जाए तो सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब देखते हैं जो प्रोपल्सिव मूवमेंट स्टमक में एक्ट कर रही है, जो प्रोपल्शन कर रही है वो है हमारे पास पेरिस्टाल्सिस। एज ऑलवेज तो पेरिस्टाल्टिक वेव जो स्टमक में जनरेट करती है वो बहुत स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू वो जो एसोफिगस या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में थी। मेरे पैनों ने भी जवाब दे दिया। ठीक है, तो होता कि यहाँ की जो पेरिस्टाल्सिस है वो ऑलमोस्ट 0.5 से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से खाने को मूव करती है, यानी एक सेकेंड में 0.5 से 2 सेंटीमीटर सिर्फ और सिर्फ मूव करेगा। और ऐसा होता है कि जब 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर खाना मूव कर जाता है फिर ये वेव भी ख़त्म हो जाती है, फिर कुछ टाइम बाद 10-1 सेकेंड गुजरते हैं फिर दोबारा अपेयर होती है वेव, फिर थोड़ा सा मूव करती है फिर डाई आउट कर जाती है। तो इस तरह से ये वेव बहुत स्लोली खाने को मूव करती है। 3 से 5 घंटे लगते हैं खाने को स्टार्ट ऑफ आपकी जो स्टार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि आपके ड्यूडेनम से लेकर एंडिंग ऑफ द आइलियम तक, यानी कॉलन तक जहाँ से सीकम स्टार्ट हो गया वहाँ तक पहुँचने में 3 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो अभी जो पेरिस्टाल्टिक वेव है ये यहाँ पर एक करी होती है। अफकोर्स ये बातें पेरिस्टाल्सिस है वो हार्मोनल कंट्रोल भी होता है, उसमें नर्वस कंट्रोल भी होता है। नर्वस कंट्रोल किस चीज़ का होगा, जैसे ही खाना स्टमक में एंटर होता है ना तो फौरी तौर पर यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो जाती है इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि हमारे पास एक रिफ्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो एंटेरिक रिफ्लेक्स। ये गैस्ट्रो एंटेरिक रिफ्लेक्स जो स्टमक से जनरेट होता है और आके स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है कि तुम्हारे अंदर जो पहले का खाना पड़ा है उसे निकालो ताकि मैं अपना खाना जो लेके आऊँ उसके लिए जगह बने। ठीक है, तो गैस्ट्रो एंटेरिक रिफ्लेक्स आपको पता है कि नर्व तीनों तरह से जा सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले वो दफ़ा बताया था कि माइंटेरिक रिफ्लेक्स से भी जा सकता है, अगर यहाँ से स्टमक से सिम्पैथेटिक गैंग्लिया और सिम्पैथेटिक गैंग्लिया का मतलब है सिम्पैथेटिक चेन, और वहाँ से वापस फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भी आ सकते हैं, स्टमक से ब्रेन में जाके वहाँ से इंटीग्रेट होकर भी आ सकता है। तो बात वही है कि करना इसने एक ही काम है। फिर दूसरा कंट्रोल जो है हार्मोनल है, हार्मोन में आपको कई दफ़ा पहले बता चुकी हूँ पीछे चैप्टर्स में कि सीसी के है, कोलिसिस्ट्रोकाइनिन है, सिक्रेटिन है और इसके अलावा इंसुलिन है। ये जो हार्मोन्स हैं ये हमेशा आपके जीआईटी में इंटेस्टाइन की प्रोपल्शन को इंक्रीज़ करता है और स्टमक की एम्प्टिंग को कम करवाते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं दे इंक्रीज द स्टमक प्रोपल्शन, स्टमक कह रही हूँ इंटेस्टाइन की प्रोपल्शन को। तो ये हमारे पास पेरिस्टाल्सिस इस तरह से इसकी एम्प्टिंग करवा देती है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास सेगमेंट पेरिस्टाल्टिक रश होता है कि अगर आपको कोई इरिटेंट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बहुत तेज़ी से पेरिस्टाल्सिस होती है और खाना एकदम से मूव करता है जैसे डायरिया में होता है, उसे पेरिस्टाल्टिक रश कहते हैं। ठीक है जी, तो ये जो रश है ये होनी नहीं चाहिए, इसको हम प्रिवेंट करते हैं फिर डिफरेंट मेडिसिन से। फिर एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क, क्योंकि इलियोसीकल वैल्व में भी आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं बात करती हूँ इलियोसीकल वैल्व की। अब हमारे पास मसला ये है कि अब फूड पहुँच चुका है एंड ऑफ द इलियम या आइलियम पे, ये हमारे पास है सपोज एंड ऑफ द आइलियम, यहाँ पर आके आइलियम ख़त्म हो जाएगा और फिर इधर से स्टार्ट हो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन और उसका सीकम और ये है अपेंडिक्स। ठीक है जी, तो ये है टर्मिनल पोर्शन ऑफ आइलियम और फिर ये है सीकम, ये अपेंडिक्स और यहाँ से कॉलन शुरू हो गया।
अब जो हमारे पास जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टिन लार्ज इंटेस्टिन से मिल रही है वहाँ पर हमारे पास एक वैल्व होता है जिसे हम कहते हैं इलियोसीकल वैल्व, ठीक है। ये वैल्व ऐसे करके ना प्रोट्यूट कर होता है इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द सीकम, यूं करके ये क्लोज होता है। इस वैल्व का बेसिक मकसद ये है कि जब भी फीसेस में जो फीकल कंटेंट हमारे पास पड़ा हुआ होगा उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ऐसा ना हो कि वहाँ से प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से बैक फ्लो शुरू हो जाए इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बैक फ्लो ऑफ एनीथिंग फ्रॉम सीकम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रिवेंटेड बाय दिस इलियोसीकल वैल्व। फिर इस वैल्व के अलावा हमारे पास इस वैल्व से पीछे की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है उसमें ना मसल उसके थिकन हुए हुए होते हैं टू फॉर्म अ स्फिंक्टर, उसे हम कहते हैं इलियोसीकल स्फिंक्टर। अब जब वैल्व था तो स्फिंक्टर की क्या जरूरत थी, जो असल में बात यह कि वैल्व का बेसिक काम है कि वो बैक फ्लो ना होने दे, जो स्फिंक्टर है उसका बेसिक काम है कि वो जरूरत से पहले एम्प्टिंग ना होने दे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनसाइड द सीकम, कि अभी हमारे पास सीकम में ऑलरेडी खाना पड़ा हुआ हो और ऊपर से पीछे से मैसेज आए कि इसको एम्प्टी करो तो ये एकदम से खुल के उसे एम्प्टी कर दे, ऐसा ना हो। ऐसा करने से स्फिंक्टर जो है इस बात को रोकता है, ठीक है। तो इन दोनों का आपने फ़र्क याद रखना है, दोनों का बेसिक मकसद जो काम करने का वो याद रखना है, ठीक है। अब क्यों सीकम से स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रिवेंशन होगी खाना रोकने के आगे, अगर ऐसा है कि हमारे पास ऑलरेडी सीकम फूड से भरा हुआ है, मजीद पीछे से फूड आ रहा है, वो कह रहा है कि उसे एम्प्टी करो, अभी सीकम में जगह नहीं है, तो ये स्फिंक्टर टोनिकली कॉन्ट्रैक्ट रहता है, खुलता नहीं है कि जगह दे उसको। फिर अगर ये कि इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स हो, किसी के अपेंडिक्स में मसला हो, तो अपेंडिक्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है वो आसपास की मसल्स की पैरालिसिस कर देती है, कंप्लीट तो नहीं पार्शल, मतलब टेम्परेरी पैरालिसिस होता है, और उसी की वजह से ये जो स्फिंक्टेरिक मसल्स हैं ये भी अपनी टोनिक कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में पैरालाइज हो जाते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में पैरालाइज होंगे तो ये उधर ही सख्ती से जगह को बंद कर देते हैं और ये दोबारा खुलने के काबिल रहते ही नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इलियोसीकल स्फिंक्टर का फीडबैक कंट्रोल होता है। सीकम की जो हालत होती है उसकी वजह से हमारा जो इलियोसीकल स्फिंक्टर है कंट्रोल होना होता है। अगर सीकम चाहेगा, इजाज़त देगा, जगह होगी तो ये रिलैक्स करके फूड को आगे आने देगा। अगर सीकम के पास ऑलरेडी जगह भरी हुई है, नहीं है जगह, तो ये फूड को आगे नहीं आने देता। अच्छा, यहाँ तक ये बात खत्म करते हैं कॉलन के मूवमेंट्स नेक्स्ट पार्ट से।